हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट एंजल्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। बेटा हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इंटीग्रेशन। बेटा इंटीग्रेशन एक्चुअल में रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। ओके, तो हम कह सकते हैं इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके बेटा, अब बेटा मैं यहां पे बात करता हूं, इसके अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बेटा इसको ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे इंटीग्रेशन, जिसका भी इंटीग्रेशन उसको इस ब्रैकेट में लिख देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ जो इस ब्रैकेट में होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। तो बेटा इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ जो इस ब्रैकेट में होगा वो लिख देंगे, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो यहां पे आ जाएगा ब्रैकेट में। तो उसका इंटीग्रेशन होगा किसके रेस्पेक्ट में बेटा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब बेटा इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, अभी आपको समझाऊंगा क्या होता है। तो एक तो होता है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है बेटा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, फॉर्मूले ऑफ इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसा का बेटा फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर बेटा हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी कांस्टेंट का, ऐसे मान लिया के यहां पे कोई कांस्टेंट है तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो के इज अ कांस्टेंट। तो बेटा इसका क्या रूल होगा कांस्टेंट का, इंटीग्रेशन का, तो आप कांस्टेंट लिखो और जिसके रेस्पेक्ट में उस वेरिएबल को लिख दो, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, यहां पे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो के साथ उस वेरिएबल को भी लिख देंगे, तो के एक्स। बस बेटा यहां पे हम एक टर्म और यूज करते हैं सी, तो सी एक कांस्टेंट होता है, हियर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बेटा इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कंडीशन दी होती है तो हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, अदरवाइज बेटा सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम सी की वैल्यू पर बेटा फिक्स नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पे सी की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से बेटा ये वैल्यू अलग अलग निकल कर आती है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स बता रहा हूं। जैसे अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं बेटा 5dx, तो यहां पे कॉन्स्टेंट लिखा हमने, उसके बाद किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, उस वेरिएबल को लिख देते हैं, तो क्या है हमारा आंसर 5x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर कहीं लिख रहा है माइनस के 10dt लिख रहा है तो बेटा इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट लिखेंगे माइनस 10, कौन है बेटा वेरिएबल t, तो उसको लिखेंगे प्लस में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं इसमें हम, वो पावर वाला फॉर्मूला जैसे वहां पर था, एक कांस्टेंट का था एक हमने पावर वाला किया था। बेटा सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन dx। तो बेटा पावर वाले फॉर्मूले में वहां पे हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में पावर को आगे लाते थे, ऊपर एक पावर कम कर देते थे, लेकिन बेटा यहां पे हम क्या करेंगे, एक पावर वेरिएबल में बढ़ाते हैं, x की पावर n थी, यहां पे हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में बेटा उसी पावर को नीचे लिख दिया जाता है प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन, अब बेटा इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, तो बेटा इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5dx तो बेटा वो होगा एक्स की पावर 5 में हम 1 ऐड करेंगे, नीचे बेटा उसी को लिख देंगे प्लस में c, इट मींस क्या बना एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। नेक्स्ट है बेटा इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 3 ले लो, चलो माइनस 3dx, तो बेटा ऊपर एक पावर इंक्रीज करेंगे, नीचे भी आ जाएगा माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू बेटा ये क्या होगा एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस सी, या बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब एक्स बार माइनस 2 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पावर 2 हो जाएगी प्लस में, तो होगा माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 2 प्लस सी। तो बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बस बेटा यहां पर हमें एक पॉइंट से अवेयर रहना है, नोट में लिख लो आप, आगे हमारे काम आएगा। अगर बेटा हम एक्स की पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करें
तो क्या होना चाहिए, एक्स की पावर माइनस वन प्लस वन अपॉन में क्या आएगा बेटा, माइनस वन प्लस वन, तो इसका मतलब क्या लगा आपको, ये प्लस सी, तो क्या बनेगा एक्स की पावर जीरो अपॉन इनफाइनाइट प्लस सी, इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा जीरो। तो बेटा हमें कुछ ऐसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है इसमें देखने में, है ना, कि हम एक्स की पावर माइनस वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन बेटा ये हमें याद रखना है कि एक्स की पावर माइनस वन का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो बेटा इससे हमें अवेयर रहना है, ये हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला कभी यूज नहीं करते इस टाइप से हम। यहाँ पे हमारा एक रूल होता है कि बेटा इंटीग्रेशन अगर हम एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स कह रहे हैं तो उसका मतलब है वन अपॉन एक्स डी एक्स। बेटा वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में लॉग के बारे में। तो बेटा ये लॉग एक्स होता है बेस ई प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो बेटा ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा पावर वाला फॉर्मूला, तो पावर तो यहाँ भी दिख रही है आपको एक्स की पावर माइनस वन, बट बेटा इस फॉर्मूले को हम इस तरह से नहीं यूज करते। इसका क्या होता है, एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स कहें या वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो बेटा वो होता है लॉग एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा रूल तो सारे उसमें हमारे इनडेफिनेट वाले रहते हैं, बस कुछ चीजें लिमिटेड हो जाती हैं। पहले तो बेटा मैं आपको इंटीग्रेशन का एक्चुअल फील कराता हूं, क्या मतलब है इंटीग्रेशन का। जैसे सपोज करो मैं हमको यहां पर कोई ग्राफ दे रखा है इस टाइप से, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वैल्यू एड करनी है। तो बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, इट मीन जोड़ता है। जब बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट होते हैं तो बेटा उनको एड करने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैंने माना बेटा बहुत छोटे छोटे ये पार्ट थे, तो इन सब को बेटा आप ऐड कर रहे हो। अब आपको उनकी लिमिट पता है कि हम बेटा कहां से कहां तक ऐड कर रहे हैं, ए से लेकर बी तक, तो हमारा आंसर कैसा आएगा, डेफिनेट। लेकिन आपको लिमिट नहीं पता, कोई कहीं से कहीं तक ऐड कर रहा है, कोई कहीं से कहीं तक ऐड कर रहा है, तो हमारा आंसर कैसा आएगा, इनडेफिनेट, अलग अलग आएगा। तो बेटा वहां जो अब तक हम पढ़ के आ रहे थे उसमें हम जो इंटीग्रेट कर रहे थे उसमें हमारी मर्जी थी, हम कहीं से कहीं तक इंटीग्रेट कर सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको बाउंड कर दिया कि आपको भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इट मीन इस लिमिट से इस लिमिट तक ही इंटीग्रेट करना है, ऐड करना है। तो जब हम बाउंड हो जाते हैं एक लिमिट के अंडर में, तब बेटा वहां पर हम उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आपको बेटा मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं, तो पहले तो इसका हम फॉर्मूला ही देखें। अगर मैं इंटीग्रेशन बेटा एफ एक्स कर रहा हूं, एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, मैं बेटा इंटीग्रेट और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं ए से लेकर बी तक। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे। मैंने मान लिया भाई वो इंटीग्रेशन करके क्या आया, एफ एक्स, ठीक है बेटा। अब उसके बाद यहां पे हम सी यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो डेफिनेट है, तो आपने जस्ट इंटीग्रेशन किया विदाउट सी, कॉन्स्टेंट यूज नहीं करेंगे। कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। तो बेटा जो ए है यहां पे, ए इंप्लाई करता है लोअर लिमिट, इट मीन हमने कहां से ऐड करना स्टार्ट करा। और बेटा जो बी है वो हमारा क्या इंप्लाई करता है, अपर लिमिट, इट मीन कहां तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहां से कहां तक हमने ऐड किया, ठीक है बेटा। यहां तक हुआ, अब इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा एक्स को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट से। अपर लिमिट कौन है, बी, तो पहले आएगा एक्स की जगह पर बी। अब बेटा माइनस लगाते हैं, फिर एक्स को रिप्लेस करते हैं लोअर लिमिट से, बेटा लोअर लिमिट कौन है यहाँ पे, ए। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा। तो बेटा ये है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आपको बेटा मैं एग्जांपल से बताता हूँ, अगर कहीं बेटा हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन एक्स की पावर टू का और मैंने लिमिट बताई आपको वन से लेकर थ्री तक, तो आप कैसे करोगे बेटा, सबसे पहले आप इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज करते हैं उसी पावर को बेटा नीचे लिखते हैं, सी लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। लिमिट कहां से कहां तक है, वन टू थ्री, ओके बेटा। तो इसको पहले सॉल्व कर ले रहे हैं, तो बेटा ये हुआ एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, लिमिट बेटा वन से थ्री। अब क्या करते हैं, इसके बाद अपर लिमिट कौन है बेटा, थ्री, लोअर लिमिट कौन है, वन। इसके बाद स्टेप होता था कि हम बेटा जो वेरिएबल एक्स है उसको किससे रिप्लेस करते हैं, अपर लिमिट से, इट मीन जहां एक्स है वहां पर क्या पुट कर देंगे, अपर लिमिट। तो एक्स है कौन आ जाएगा, थ्री, बाकी चीजें एडिट रहेंगी, थ्री ऊपर क्यू था, क्यू एडिट लगाया, नीचे थ्री था, वो भी ऐसा ही रहा, ओके बेटा। अब माइनस, अब हम एक्स को रिप्लेस करते हैं लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट कौन है, वन, तो अब आप एक्स से वन पुट कर दोगे, तो ये क्या बनेगा बेटा, वन का क्यू
अपॉन थ्री। तो हमने देखा यहां से क्या आया सॉल्व करने पर, ये 27 अपॉन थ्री बेटा 9 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन थ्री, तो बेटा ये आएगा 27 माइनस 1 26 अपॉन थ्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस पर। सपोज करो आपको दिया है इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या 2x, लिख दो यहाँ पे 2x प्लस 3। ओके बेटा यहाँ पे dx है। अब बेटा मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 1 तक, तो सबसे पहले आप इसका बेटा नॉर्मल इंटीग्रेशन करोगे। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का, 2x का और बेटा 3 का, पहले बेटा एक्स स्क्वायर का करते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा इसका 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ओके अब प्लस, अब बेटा मुझे 2x का करना था, तो 2 तो हमारा कॉन्स्टेंट है, इंटू में कौन बचा x, x की पावर 1 कह सकते हैं ना हम, तो आपको पता है पावर वाला है तो उसमें 1 ऐड करेंगे नीचे बेटा, उसी को लिख देते हैं पावर को प्लस। बेटा आगे देख रहे हो आप 3 क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट लिखते हैं वो इंटीग्रेशन, सॉरी कॉन्स्टेंट लिखते हैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेरिएबल कौन है एक्स बेटा, उसको लिख देते हैं। तो ये आ गया 3x। बेटा यहाँ पे आपको पता है लिमिट वाला है ये, तो इसलिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट का यूज नहीं करते। अब बेटा लिमिट कहां से कहां तक होगी इसकी, 0 से लेकर 1 तक। तो बेटा ये हुआ एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल प्लस 3x, लिमिट बेटा कहां से कहां 0 से 1। एक बार और लिख दें इसको, एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, लिमिट बेटा 0 से 1। तो आपको बताया पहले जितने भी वेरिएबल है सबको किससे रिप्लेस करते हैं, अपर लिमिट से। तो जहां जहां एक्स है 1 लिख दो, बाकी एज इट रहेगा। तो एक्स से गया 1, 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस, अब की बार एक्स को बेटा 0 से रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से, तो 0 क्यूब अपॉन 3 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0। तो बेटा बस यही तो बचेगा, तो सारा 0 हो गया। तो यहाँ से 1 अपॉन 3 रहा ये, 3 और 1 4, तो बेटा कितना आया 13 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।